ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड फॉलोइंग एलिमेंट्स मे बी प्रेजेंट। कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं? यहां पे हेलोजन हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉस्फोरस एटम या ऑक्सीजन एटम। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। दैट मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें हेलोजन हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, गैस अपीयरेंस है ये। लेकिन मेन कैरेक्टर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये दोनों तो होने ही चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई एक भी नहीं है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों चीजें होनी ही चाहिए। बाकी और फ्लोरीन, हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। Therefore, IUPAC nomenclature is done. So, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं, तो आप किन कितने लोगों के कॉमन नाम याद रखेंगे? याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक सिस्टमैटिक स्टडी बनाई गई, एक सिस्टमैटिक हमने मेथड तरीका बताया जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करें, ताकि आपको कंपाउंड्स का नाम रटना ना पड़े, आप मेथड यूज करके खुद ही उसका नाम रख सको। तो IUPAC ने रूल्स रेकमेंड किए जिनको यूज करके हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते थे, ताकि सिस्टमेटिकली हम इसको पढ़ सके। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो ये है कि कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम बात कर रहे हैं कैटेनेशन इन कार्बन। कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन क्या होता है? हमने ये देखा कि द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सो कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ते चले जाना, ये जो ज्वाइन कर करके लॉन्ग चेन या कार्बन कार्बन जुड़ के जो रिंग बना सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की, इसकी वजह से ही इतने सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं हमें। सो ड्यू टू कैटेनेशन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट। और हम जानते हैं कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते रहते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल कंपाउंड्स हैं उनको आप बना सकते हो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता है फूड इंडस्ट्री में। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। तो ये सेल्फ लिंकिंग कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा नहीं है जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ये प्रॉपर्टी जो इतने सारे कंपाउंड क्यों है ऑर्गेनिक के, ये आपसे अगर पूछा जाए तो उसका कारण है कैटेनेशन।
कैटिनेशन ही वो कारण है कि जैसे आप इसको ऐसे समझें कि अगर आप एक तरफ तराजू में रख दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरी तरफ आप तराजू में रख दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अगर ऑर्गेनिक और इधर इनऑर्गेनिक रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप जब रखना शुरू करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लाखों में हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हजारों में हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप बहुत ज्यादा बना नहीं सकते, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड रोज नए डिस्कवर होते रहते हैं। ओके, तो ये जो ज्यादा क्वांटिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इन कंपेरिजन टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, में वेट कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखो मैं नंबर की अगर बात करूं तो उसके हिसाब से लिख रहा हूं, हालांकि तराजू वेट नापने के लिए यूज करते हैं, बट हम यहां पे नंबर की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप कोई भी नाम यूज कर लो जो आपको मन में आता है चल जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा जो हर जगह एक्सेप्ट किया गया, हर जगह आप उसी नाम से जान सको। इंडिया में अलग नाम और ऑस्ट्रेलिया में अलग नाम नहीं चलेगा, हर जगह एक जैसा नाम होना चाहिए। तो इस वजह से इसके IUPAC ने रूल्स बना दिए कि इस ये तरीका है और इसी तरीके से हर कोई अब नेमिंग करेगा। तो बात करें हम अगर कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन होता क्यों है, कार्बन में ही इतना कैटिनेशन क्यों है, बाकियों में कैटिनेशन क्यों नहीं है। ओके, सो लिखें, कैटिनेशन इन कार्बन इज मैक्सिमम ड्यू टू, तो पहला है साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिलता है कि अगर ऊपर से नीचे जाएं हम और उसका बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाता है बॉन्ड एनर्जी। तो अगर हम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड के लिए देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, जर्मेनियम टिन एंड लेड लेड, तो ऊपर से जब आप नीचे जाते हो तो बॉन्ड एनर्जी घटती चली जाती है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो क्योंकि बॉन्ड एनर्जी घट रहा है तो साइज ऑफ एटम के हिसाब से देखें अगर हम, तो साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी घटती चली जाएगी। देख पा रहे हैं यहां से कार्बन कार्बन, तो अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड की, देन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की, जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड की, तो ऊपर से नीचे जाने पे क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज जब बढ़ता है तो बॉन्ड्स वीक होते जाते हैं, बॉन्ड वीक होते जाते हैं तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी घटती चली जाती है, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा और बॉन्ड एनर्जी घटेगी। अब कैटेनेशन बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है, यानी कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी ज्यादा दिखाई देगा। ओके, दूसरा पॉइंट यहां पे लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलोंग पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर मैं सीधा सीधा रिलेट करना चाहता हूं तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर ई एन से दिखाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, अभी आऊंगा मैं उस पर रुक जाओ, जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें, एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन बॉन्ड को देखें, याद रखो पीरियोडिक टेबल में ये अगर कुछ इस तरीके का दिखता है आपका पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इधर से इधर, ठीक है, तो हम कह रहे हैं अलोंग द पीरियड आप जा रहे हो, तो अलोंग द पीरियड जब आप जा रहे हैं तो उस केस में हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी।
तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझो, कार्बन यहां होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप यहां लिख लें, ये जो मैंने कंपेयर किया है ये बॉन्ड एनर्जी के लिए कंपेयर किया है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमने बॉन्ड एनर्जी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कंपेयर कर दिया, देन नोट कर दिया यहां तक। थर्ड पॉइंट बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने के लिए वो होगी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है दैट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब बॉन्ड एनर्जी, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के, यानी कि अगर बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच जहां सिंगल बॉन्ड है इसको मैं कहूंगा बॉन्ड ऑर्डर 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे है वहां पे मैं कहूंगा बॉन्ड ऑर्डर है 2, क्योंकि डबल बॉन्ड है देखिए, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मैं कहूंगा यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाउ क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, जैसे ही सिंगल से डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, डबल से ट्रिपल की तरफ जाएंगे तो भी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। ओके, ये हुआ बॉन्ड एनर्जी के लिए। लिखें इसके आगे, कार्बन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म टू टू शो कैटेनेशन, टू शो कैटेनेशन और सेल्फ लिंकेज ड्यू टू फर्स्ट इट इज टेट्रावेलेंट, सो इट कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ मैनी एटम्स एंड कार्बन इट्सेल्फ। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या हुआ, देखिए कि टेट्रावेलेंसी का मतलब हुआ कि एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है तो ये चार एटम्स के साथ जुड़ सकता है, चार एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी बाकी सबसे। ये पहला पॉइंट है। देन दूसरा पॉइंट है, बता रहा हूं मैं, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी सब बात करेंगे हम लोग। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज मल्टीपल बॉन्ड। क्यों मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। देयर इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग बिटवीन पी ऑर्बिटल्स। अभी पी ऑर्बिटल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो हो ये रहा है कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जब जुड़ता है तो जो सिंगल बॉन्ड होता है, इस सिंगल बॉन्ड को नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इसके अलावा और भी ऑर्बिटल्स होते हैं जो ओवरलैप हो सकते हैं। जैसे यहां पे मैं देखता हूं कि पी ऑर्बिटल जो है ये दूसरे पी के साथ इस तरीके से ओवरलैप कर गया,
तो ये जो सिग्मा के अलावा दूसरा बॉन्ड बना है, ये देखिए इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो सब में होगा ही, पाई बॉन्ड अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है तभी देखने को मिलेगा। हम कह रहे हैं कि कार्बन जो है ना उसका साइज बहुत छोटा है और इससे यहां पे पाई बॉन्ड बन सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं नीचे आऊं और सिलिकॉन एटम पे पहुंचूं तो सिलिकॉन एटम में भी पी ऑर्बिटल है, बट इन पी ऑर्बिटल्स को इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। दिस बॉन्ड हियर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो होगा बट पाई बॉन्ड जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है। किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है साइज पे। छोटे एटम्स ओवरलैप बहुत, ये जो ओवरलैपिंग, इस ये जो पीपी जुड़ रहे हैं ना इसको ओवरलैप बोलते हैं। तो ये ओवरलैपिंग जो है छोटे एटम्स से बहुत अच्छी हो पाती है। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो एटम सब दूर जाते जाते हैं और इस वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती इफेक्टिवली। तो हम कह रहे हैं कि अगर कार्बन में हो रहा है तो कार्बन के नीचे याद करें सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, टिन था, लेड था। ऊपर से जब आप नीचे जाते हो तो आप ये देखते हो कि साइज बढ़ रहा है। साइज के बढ़ने की वजह से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बना पाता इस वजह से भी आप देखते हैं कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ओके, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाने की वजह से पी ऑर्बिटल में बड़े साइज के एटम्स में हम देखते हैं ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और इस वजह से हमको नहीं देखने को मिलता है पाई बॉन्ड। तीसरा पॉइंट, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड सो दैट इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन लॉन्ग चेन एंड इन साइक्लिक कंपाउंड्स। सो हाई बॉन्ड एनर्जी होगा, ये तो बात हो गई हमारी। बॉन्ड एनर्जी यहां पे हाई होने की वजह से भी हम देखते हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स। तो तीन कारण है यहाँ पे, आप ध्यान दें अगर। तो पहला कारण ये है कि वेलेंसी चार है, टेट्रा वेलेंसी, चार बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है इसमें, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि साइज बहुत छोटा है। देन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो भी बहुत ही हाई बॉन्ड एनर्जी का है, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड है। तो स्ट्रांग बॉन्ड है तो चेन जो बनते चले जाएंगे उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो टूटेगा नहीं, और इस वजह से भी हम देखते हैं कि कैटेनेशन बढ़ जाएगा। तो कैटेनेशन के तीन कारण हम यहां पे गिना सकते हैं। अब इस कैटेनेशन की वजह से, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी की वजह से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल कार्बन एटम्स जुड़ते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन और रिंग्स बना सकते हैं। देन आगे मैं बढ़ू, नोट कर लिया यहां तक? देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है इसको डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे ना चैप्टर, तब डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं उतना बता रहा हूं जितना हम लोग को ऑर्गेनिक के लिए अभी जरूरत है। तो ये बेसिकली होता यह है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग पर्पस। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ओके, बेसिकली ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है जिससे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो बॉन्डिंग पर्पस के लिए काम में आते हैं। मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में, डिटेल में हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे बात इसके बारे में। फिलहाल हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितने काम का है। तो अभी आपको हो सकता है कई चीजें इसमें से, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, इंटरमिक्सिंग क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं हमको पता ही नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसलिए समझना चाहते हैं कि
यूज कर सके इसको सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए। देखो एक चीज समझो, अब हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ये समझना है हमें। हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाए, होता क्या है, आगे बात होगी उसके बारे में, पहले तो निकाला कैसे जाए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए होता है स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल ये कहता है कि स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन, जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो, प्लस प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आफ्टर बॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आफ्टर बॉन्डिंग। इससे पहले कि मैं एग्जांपल्स बताऊं, मैं बता दूं यहां पे, अगर मान लीजिए आपने फाइंड किया और आपका स्टेरिक नंबर आ गया टू, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टेरिक नंबर टू आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस पी, राइट, दो हैं तो एक एस और एक पी। अगर स्टेरिक नंबर आता है थ्री फोर एंड फाइव तक बताऊंगा मैं, अगर स्टेरिक नंबर आता है थ्री तो तीन ऑर्बिटल, कौन कौन से, एस हमेशा रहेगा तो एस पी टू, अगर स्टेरिक नंबर फोर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी थ्री। देखिए तीन पी और एक एस, चार हो गए टोटल, पांच होंगे तो एस पी थ्री एंड डी, पी में तीन ही ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास में, तो तीन पी के बाद अगला डी आ जाता है। अगर स्टेरिक नंबर सिक्स आ जाता तो सिक्स आ जाता तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता एस पी थ्री डी टू, अगर सेवन हो जाता तो हाइब्रिडाइजेशन होता एस पी थ्री डी थ्री। फिलहाल हम लोगों को कार्बन के लिए देखना है, तो कार्बन के लिए हमको एस पी, एस पी टू और एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन से ही काम चलाना पड़ेगा। यहां तक नोट कर लिया हमने, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टेरिक नंबर कैसे यूज करना है। क्या है स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ एटम्स अटैच, कितने एटम जुड़े हुए हैं, प्लस जुड़ने के बाद कितने लोन पेयर बच गए बॉन्डिंग के, बॉन्डिंग के बाद कितने लोन पेयर बन गए, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा। स्टेरिक नंबर अगर टू है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर अगर थ्री है तो एसपी टू, स्टेरिक नंबर फोर है तो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ओके तो देखिए फाइंड कैसे करना है उस पे आते हैं। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है NH3, तो NH3 का स्ट्रक्चर देखें जरा, हम देख लिया नंबर ऑफ एटम्स, नाइट्रोजन का चाहिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ एटम्स अटैच, देखिए स्टेरिक नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स अटैच वन टू एंड थ्री, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर है दो इलेक्ट्रॉन का पेयर को बोलते हैं वन, दो इलेक्ट्रॉन से एक पेयर, जैसे हम जानते हैं दो शूज को एक शू पेयर कहते हैं, राइट, तो एक और एक दो, तो दो शूज को हम कहते हैं एक पेयर, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को भी एक पेयर कहते हैं, तो स्टेरिक नंबर हो गया कितना, देखो फोर। तो आपसे पूछू कि बताओ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था यहां पे, तो फोर, फोर का मतलब एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल से समझिए, लेट से मैं एग्जांपल देखता हूं H2O का, वाटर, वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसा। अब ऑक्सीजन एटम को मैंने देखा तो ऑक्सीजन का कॉन्फिग्रेशन देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो हमने देखा 2.6, एट था एटॉमिक नंबर 2.6, तो सिक्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन के साथ जुड़ने में गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग में जुड़ा एच के साथ, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक दो तीन चार, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के चार इलेक्ट्रॉन बच गए, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर और दूसरे दो इलेक्ट्रॉन का दूसरा पेयर, तो स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस
नंबर ऑफ लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आ गया, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। समझ में आता है क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो एक और एग्जांपल देखो और इससे हम सॉल्व करके बताएं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ bf3। bf3 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एटम, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एटम मुझे फाइंड करना है। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बोरॉन के पास लोन पेयर कितने हैं। तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 होता है, दैट मींस 2.3। इस 3 इलेक्ट्रॉन में से एक, दो और तीन, तीनों बॉन्डिंग में यूज हो गए, यानी लोन पेयर कितना है? 0। स्टेरिक नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, दैट इज 3, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, दैट इज 0। तो स्टेरिक नंबर आ गया 3। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके तो बताओ मुझे, ये है स्ट्रक्चर BEF2 का। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BEF2? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BEF2? फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BEF2। इसमें मेरे को बेरिलियम का चाहिए, हाँ बेरिलियम का चाहिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले लिखा मैंने कॉन्फिग्रेशन, बेरिलियम क्या होगा? 2.2। ओके स्टेरिक नंबर देखिए जरा, स्टेरिक नंबर के लिए क्या चाहिए मुझे? लोन पेयर देखना होगा। तो बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जोड़ने में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन के साथ जोड़ने में गया, तो लोन पेयर कितने बचे? 0। तो स्टेरिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, 2 प्लस लोन पेयर, 0। सो स्टेरिक नंबर इज 2। स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके अच्छा तो बताओ जरा मुझे, अगर मैं CH4 के लिए निकालना चाहता हूं, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। देखिए अब कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो कार्बन का था एटॉमिक नंबर 6, है ना, कायदे से लिखना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखा आपने तो वो आ गया 2.4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखे? 4। जरा देखें बॉन्डिंग, 1, 2, 3, 4, तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए। दैट सिंपली मीन्स के लोन पेयर अब कुछ नहीं बचा, बिकॉज चारों इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। तो एक कार्बन से देखिए कितने एटम जुड़े, 1, 2, 3, 4, 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े, तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 4, प्लस लोन पेयर कितने हैं? 0। तो स्टेरिक नंबर आ गया 4। स्टेरिक नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ओके एक और एग्जांपल देखिए, सी डबल बॉन्ड सी, देन एच 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 एंड एच। इसके अंदर में बताना है आपको व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम। देखिए अगेन आपने लिखा कार्बन एटम था 2.4, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब जरा देखें बॉन्डिंग, देखिए तो एक बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 बॉन्ड लगे हुए हैं कार्बन से, चारों बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। नाउ अगर यूज हो गया तो फिर व्हाट इज द स्टेरिक नंबर?
नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, तो इस कार्बन एटम को देख रहे हैं अगर आप, तो नंबर ऑफ एटम अच्छा देखिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन, तो 1, 2, 3 प्लस लोन पेयर 0, सो इफ स्टेरिक नंबर इज 3 दैट मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सिंपल, बोलो। एक और एग्जांपल देखो, तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड एच, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अगेन कार्बन एटम 2,4, स्टेरिक नंबर निकाले हम, तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हुए, देखो काउंट करो 1, 2, 3 एंड 4, सो स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड दैट इज 2 प्लस लोन पेयर 0, सो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 2, और स्टेरिक नंबर 2 है इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम समराइज करें यहां, तो अगर एक कार्बन एटम पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3। अगर किसी कार्बन एटम पे 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड है, तो देखिए 1, 2, 3 तीन एटम जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा sp2। अगर किसी कार्बन एटम पे 2 डबल बॉन्ड हो, तो नंबर ऑफ एटम्स टोटल 2 ही जुड़ पाएंगे इससे, तब ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp। और अगर एक कार्बन से 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड है, तो अगेन ये 2 ही एटम से जुड़ा है, तो ये भी हो जाएगा sp। इसको आप याद रख सकते हैं कि अगर किसी कार्बन से 4 एटम जुड़े हैं तो sp3 होगा, 2, 3 एटम जुड़े हैं तो sp2, 2 जुड़े हैं तो sp। ठीक है यहां तक। अब हम अगर हाइब्रिडाइजेशन के करेस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लें यहां, तो मैं लिख सकता हूं हाइब्रिडाइजेशन एक तरफ, देन sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, तो ये अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट्स देखने को मिलता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का देखने को मिलेगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का देखने को मिलेगा। देन एंगल से करेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री है वो भी लिखते चलें। sp3 को टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल मतलब 109 डिग्री 28 मिनट्स, अगर होगा 120 डिग्री होगा तो बोलेंगे इसको ट्राइगोनल प्लानर, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री है तो उसको बोलते हैं लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री। देन बॉन्ड्स देखें कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, हम देखते हैं sp3 में देर इज 4 सिग्मा बॉन्ड, sp2 में क्या देखते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। sp में देखते हैं हम 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। देन परसेंटेज एस ये देखो कैसे निकालते हैं,
अच्छा देखो, sp3 में टोटल एस ऑर्बिटल कितने थे? एक एस था, अपॉन टोटल कितने थे? देखो एक एस और तीन पी, टोटल कितना हो गया? एक एस तीन पी मिला के 4, 1/4 × 100 कर दिया मैंने, दैट कम्स आउट टू बी 25%। sp2 में क्या किया जाए? देखो एक एस ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने थे? एक एस और दो पी, टोटल मिला के हो गया 3, तो 1/3 × 100 दैट इज 33.3%। sp में कितना करेंगे? एक एस ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल है, सॉरी एक एस और एक पी, तो टोटल मिला के हो गए 2, तो 1/2 × 100 दैट गिव्स 50%। अगर यही पे आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ परसेंटेज पी कितना होगा, व्हाट इज परसेंटेज पी, तो दो ही चीजें थी, एक एस था और पी था। अगर आपने निकाल लिया है एस 25% है, तो बताओ परसेंटेज पी कितना होने वाला है? टोटल 100% है, परसेंटेज एस 25% है, तो पी कितना होगा? ऑब्वियसली दैट इज 75%। और अगर आप निकालना चाहते हो तो आप ऐसे देखो कि देखो टोटल 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4, तो 3/4 × 100 दैट गिव्स 75%। अब मैं सब में नहीं निकालूंगा, यहाँ 33.3 है, तो परसेंटेज पी हो जाएगा 66.67 या 66.7%, देन पी इधर आ जाएगा 50%। ओके परसेंटेजेस, परसेंटेज भी निकाल लेंगे हम लोग। अब देखो क्या करना है मेरे को, यहां बॉन्ड लेंथ किस तरीके से वेरी होता है उसके बारे में हम बाद में बात कर लें। पहले मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बता देता हूं, क्या होता है सिग्मा और क्या होता है पाई बॉन्ड, ठीक है? नोट करो यहां तक, और अगर नोट कर लिया तो मेरे को बताओ, मैं आगे बताता हूं फिर। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई यहां पे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन का एंगल, देखो ऐसे समझो, वैसे तो इसको हम निकालते हैं दूसरे तरीके से, मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल बताता हूं। तो मान लो कार्बन जो है ना, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1, 2 और ये 3 और 4। अब ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये जो हैं ये ऐसे अरेंज होंगे सच दैट इनके बीच में डिस्टेंस हर तरफ से बराबर हो, यानी इन दो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस उतना ही दिखाई देगा जो इन दो हाइड्रोजन के बीच में है, और उतना ही डिस्टेंस इन दो हाइड्रोजन के बीच में, और उतना ही डिस्टेंस इस दो हाइड्रोजन के बीच में, यानी ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो एक जैसे होंगे, कैसा कह सकता हूं मैं? तो जब चारों हाइड्रोजन एक जैसे अरेंज होंगे, तो आप थ्री डायमेंशनली इस शेप को इमेजिन करें। जब आप थ्री डायमेंशनली इमेजिन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कार्बन से जो चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं वो एक ऐसे एंगल पे होंगे, एक ऐसे एंगल पे होंगे, ताकि ये कंपाउंड हर जगह से एक जैसा दिखाई दे। और जब आप एक्सपेरिमेंटली इस एंगल को नापते हो, तो ये एंगल निकल के आता है 109.5 डिग्री बोल सकते हो आप, या आप इसको बोलना चाहते हो तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। और जब चार एटम्स 109.5, यानी कि ये 109.5 है, इधर से भी आप देखोगे तो ये भी 109.5 दिखेगा, इस एंगल को देखेंगे तो ये भी 109, मतलब सारे के सारे हाइट एंगल जो है, ये एंगल समझ रहे हो कौन सा है? बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का। दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो जब चार एटम आप जोड़ते हो एक जैसे, और थ्री डायमेंशनली उसको अरेंज करना है, तो एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है, और इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से आप समझे, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक मेरे पास कार्बन एटम है, इससे मेरे को
और ये एक डबल बॉन्ड हो गया। इस तरीके से अरेंज करना है। तो लेट्स से एक एच है इधर, ये एक एच है, और इधर एक कार्बन जोड़ दिया मैंने, कार्बन से फिर दो एच जोड़ दिए। अब इस जगह पे कितना बॉन्ड एंगल होगा? यहाँ पे तीन आइटम जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। इस तरीके से अगर मैं अरेंज करूँ सच दैट ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हो, और तो ये एंगल जो आएगा यहाँ पे, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 120 डिग्री का होगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा, और ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो क्योंकि 120 120 120 है और तीन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल, ट्राई फॉर थ्री, और एक प्लेन में आ जाएंगे 120 120 120, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर। ओके, ऐसे देख सकते हो, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं तीन। तो ये जो तीन जुड़े हुए हैं इनके बीच में एंगल आएगा 120 डिग्री का। इधर से देखोगे तो भी 120, इधर से, और ये सब एक प्लेन में आ गए तो प्लानर बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लानर। देन बात आती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन का कैसे आया। अच्छा, यहाँ बॉन्ड एंगल लिखो, बॉन्ड एंगल वॉज 120 डिग्री, क्लियरली देख पा रहे हैं। अब मुझे बताओ एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। तो एच है, सी है, एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, फिर सी और फिर एच, ये बनाया मैंने। बताओ कितना एंगल दिखाई दे रहा है आपको, कितना एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन से कार्बन, ये वाला एंगल क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे कि 180 डिग्री। और 180 डिग्री है तो ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं लीनियर। स्ट्रेट लाइन में आ गया तो लीनियर शेप हो जाएगा ये, या ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है। और बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। इस सेकेंड कार्बन को भी अगर आप देखें ध्यान से तो ये सेकेंड कार्बन भी लीनियर होगा, यानी कि यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इस पहले वाले केस में मैंने बनाया एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आया एंगल समझ में? नोट करो, हो गया? अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनको आप दो तरीके से समझ सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड एक होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को सिंबॉलिक फॉर्म में से दिखाते हैं ऐसे, और दूसरा बॉन्ड होगा हमारे पास पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का ये सिंबल हो गया पाई का। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो सिग्मा बॉन्ड तब होगा व्हेन देयर इज एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पाई में लिख सकते हैं व्हेन देयर इज साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड साइडवेज ओवरलैपिंग, दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है। यानी कि अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप बिल्कुल आमने सामने से करें तो इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग इस तरीके से हो कि एक पी ऑर्बिटल इधर है, एक पी ऑर्बिटल इधर है, और ये इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। यानी एटम्स का जुड़ने का एक्सिस इधर है लेकिन ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है, तो इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। अपने को क्वेश्चन में समझना क्या है, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड
एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, जबकि पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट ओनली इन मल्टीपल बॉन्ड. ओके, ओनली इन मल्टीपल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड विल बी प्रेजेंट. उसमें भी सिग्मा बॉन्ड को छोड़ के जो बॉन्ड होंगे उनको पाई बॉन्ड कहा जाएगा. सो अगर हम एक डबल बॉन्ड देखें, इन अ डबल बॉन्ड वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट. इन अ ट्रिपल बॉन्ड टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. जो ये एक्सियल ओवरलैपिंग है एंड साइडवेज ओवरलैपिंग है, इसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग के समय बात करेंगे. फिलहाल हम ये देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकालते कैसे. तो नोट कर लिया हमने यहां तक. नोट कर लिया है तो देखिए फाइंड कैसे करना है. अगर एक एग्जांपल दूं मैं, इसमें मैं पूछता हूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. तो फर्स्ट वन में देखें, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा. तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है. तो अगर मैं आंसर्स लिखूं तो फर्स्ट का आंसर हो चुका होगा 4 सिग्मा, और क्योंकि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मैं कहूंगा 0 पाई बॉन्ड. सेकेंड वन में देखिए, जो भी सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा होंगे, जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा होगा, तो सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो कुछ प्रेजेंट होगा वो पाई बॉन्ड होगा. ओके, तो डबल बॉन्ड में एक हो गया सिग्मा और दूसरे को होना होगा फिर पाई बॉन्ड. तो सेकेंड में सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, देर इज 5 सिग्मा बॉन्ड एंड देर इज अ पाई बॉन्ड. थर्ड वन में देखें, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा हमेशा होगा. अब बचे क्या, देखिए 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा हो गया, बाकी दो जो होंगे उनको दोनों को पाई होना पड़ेगा, यानी सिग्मा हमेशा एक ही होगा, उसके अलावा जितने होंगे वो सब पाई होंगे, ऐसा बोल सकते हो आप. तो थर्ड वन में आप देखें, सो देर इज 3 सिग्मा एंड देर आर 2 पाई बॉन्ड्स. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं, ये भी आपको बताना है. ओके, हो गया ट्राई.
फर्स्ट वन, इस कार्बन एटम को देखिए, तो ये कार्बन एटम तीन एटम से जुड़ा है, 1 2 3। लोन पेयर तो कार्बन पे जीरो होता है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3। स्टेरिक नंबर 3, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट, सेकेंड वन में मैंने देखिए टोटल वेलेंसी तो 4 करनी थी, मैंने एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दिया है, गड़बड़ हो गई, एक एच और रहेगा यहां पे। हाँ, तो अब देखिए नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, 1 2 3 अगेन sp2। थर्ड वन देखिए नंबर ऑफ एटम अटैच्ड 2, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ वन में देखा नंबर ऑफ एटम अटैच्ड 2, सो दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने की, तो सिग्मा, ये भी सिग्मा होगा, यहाँ एक सिग्मा सिग्मा देन सिग्मा एंड सिग्मा, देन पाई बॉन्ड देखिए 1 2 और एक और हो जाएगा यहाँ 3। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड्स पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 3, सो पाई बॉन्ड हो गए 3। ओके, एक और एग्जांपल करें। ओके, सो सेम क्वेश्चन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एंड एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स भी फाइंड करना है। चलो जल्दी से सॉल्व करो। हो क्या होगा, मेरे को लगता है फर्स्ट वन में देखिए चार एटम जुड़े हुए हैं, तो इट इज sp3। सेकेंड में देखा हमने तीन एटम जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा अब ये sp2। थर्ड वन देखो दो एटम जुड़ा हुआ है, दिस इज sp। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम अटैच्ड 1 2 3, sp2। नेक्स्ट वन नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम अटैच्ड 2, देन sp3। अब सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करो, तो सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना और भी आसान है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, देन एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा पाई एंड पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, ये हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट। तो नंबर ऑफ सिग्मा अगर हम देखें, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ पाई अगर हम देखें, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहां पे एक चीज देखो, ये बात ध्यान देने वाली है कि देर आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
विच मे नॉट हैव हाइड्रोजन, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड है CH2, देन देर इज CCl4, देन देयर कैन बी और एक दो सॉल्वेंट ले सकते हैं हम, सी डबल बॉन्ड ओ एच ClCl, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं लेते, तो ये दो एग्जाम्पल ठीक है। लेकिन बट आप देखो, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता CaCO3, तो यहां पे भी हाइड्रोजन तो नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है बट कार्बन तो है, तो क्या कार्बन है तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, दिस इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन तो नहीं था इसमें, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 जैसे कंपाउंड जहां हाइड्रोजन नहीं है उनमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। ओके, सो इन जनरल आप याद रखें कि अगर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन अब होगा तो उसमें ऑर्गेनिक, जैसे वाटर का एक एग्जाम्पल देख लो ना, H2O। नाउ H2O में हाइड्रोजन है अवेलेबल बट कार्बन अवेलेबल नहीं है, तो क्या इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करें? हाइड्रोजन तो है, तो जवाब है नहीं, इनऑर्गेनिक होगा। जनरली दोनों जब प्रेजेंट होंगे कार्बन और हाइड्रोजन तो वो ऑर्गेनिक होगा ही, फाइन। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन कार्बन होना ही चाहिए। कार्बन है अगर तो भी वो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो जाए, जैसे कार्बन है यहां पे बट ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो ये एक नोट हम ध्यान रखेंगे। इन जनरल आप याद रखिए, कार्बन हाइड्रोजन जब होगा तो ऑर्गेनिक होगा। उसके अलावा भी कुछ और एक्सेप्शन या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो हाइड्रोजन ना होने के बावजूद। ओके, हाँ बोलो। क्या? आप देख लो, मैंने काउंट इतना ध्यान से नहीं किया, हाइड्रोजन का मैंने दो काउंट नहीं किया क्या? ये वाला, ये दो गिन लो ना, 14 हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? दिस कम्स आउट टू बी 14।